दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप बिना मोबाइल नंबर के गैस कनेक्शन को कैसे बुक करें। कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी गैस का कंपनी हो, आप उस गैस कंपनी को अपना जो बुकिंग ऑर्डर होता है, बुकिंग ऑर्डर आप कर सकते हैं वो भी बिना मोबाइल नंबर के थ्रू। लेकिन आपको वो मोबाइल नंबर जानना जरूर है कि कौन सा मैंने फिट करवाया था वो फ़ोन नंबर में, बल्कि आपको केवल उसका नंबर ही डालना रहेगा विदाउट एनी ओटीपी। ठीक है, अल्फा भी नहीं कि आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी रिसीव होने के बाद ही आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग केसेस इस तरह होता है कि नंबर रजिस्टर करवा देते हैं, फिर बाई मिस्टेक कोई भी कारण की वजह से नंबर जो है गायब हो जाता है या नंबर बंद हो जाता है या और भी कुछ चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अगर जो आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे टेक गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अभी हमारी हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप कनेक्शन अगर कोई लिए हैं, गैस कनेक्शन लिए हैं और उस कनेक्शन को आप वो जो जैसे देखिए जब लेने जाते हैं तो आप ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई जो बुकिंग बुक करने के लिए आपको नंबर की ज़रूरत होती है, जो कि जो रजिस्टर नंबर है उस रजिस्टर नंबर से कॉल करना रहता है। बट अगर जो आपके पास स्मार्टफोन है और आपका नंबर गायब हो गया तो दोस्तों चिंता लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको वही तरीका बताने वाला हूँ कि बिना नंबर आपके पास रहे आप गैस कनेक्शन को कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में दोस्तों जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी जैसे ई भारत गैस है, मेरा भारत गैस का कनेक्शन है तो यहाँ पे मैं भारत गैस करूँगा। लेकिन अगर जो मेरा यहीं एचपी है, ठीक है, मेरा अगर यहीं एचपी है तो मैं यहाँ पे एचपी गैस एचपी करूँगा। ठीक है, और ये करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी फर्स्ट में आएगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट में आएगा जैसे एचपी का है, एचपी फर्स्ट पे आ रहा है, एचपी कीजिए। और जो भारत का है, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ भारत का है, लेकिन ई भारत ऐसा करके डालिएगा। ई मतलब इंटरनेट की सुविधा मुझे चाहिए। अब देखिए ई भारत मैं ये कर लिया हूँ, ई भारत गैस। उसके बाद जो फर्स्ट कनेक्शन आ रहा है उसी पे मुझे करना है क्लिक। अब देखिए ये क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जब ऐसा फ्लाइट करेंगे तो आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिल जाएगा क्विक बुकिंग। ठीक है, जैसे कि आप क्विक बुक एंड ऑर्डर, ठीक है, क्विक बुक एंड पे। अब दोस्तों क्विक बुक एंड पे क्या क्या ऑफर है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे ना तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फिर से एक बार कंटिन्यू करना रहता है। और यहाँ पे आप चाहिए तो आपको वहाँ पे पैसा नहीं देना है, आपको पैसा यहीं पे ऑनलाइन अपना करवा दीजिए और वहाँ पे जाके यही केवल बोलना है कि मैंने ऑनलाइन पे कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना एलपीजी आईडी, जो आपका कस्टमर आईडी होता है, एलपीजी आईडी डालिए या तो फिर रजिस्टर नंबर डाल के या कैप्चा कोड फिल कीजिए, फिर कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये सब चीज़ मैं कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते समय आपको मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए अब मेरा जो ये है एड्रेस है ये है, और उसके बाद ये मेरा गैस के डिस्ट्रीब्यूटर नेम है, ये मेरा सब चीज़ है। ठीक है, अब इसको मुझे बुक करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। दोस्तों कंटिन्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा रहेगा बुक नाउ। ठीक है, बुक नाउ पे मुझे क्लिक करना है, अभी पेंडिंग में है बट यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। बुक नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पे बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद आपको इसका पेमेंट अगर जो करना है, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट अगर जो आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे हम मेक ए पेमेंट ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्ट फॉर कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ये टिक मारना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ पे आप अप्लाई कॉड कर देंगे, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद बिंदास जाइए यार, लेके आइए। मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मैं आपको फिर बताऊं, मैं खुद इस तरह से करता हूं। ठीक है, मैं खुद इस तरह से ही ऑनलाइन बुकिंग करता हूं। ठीक है, और दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और किन किन लोगों ने ये चीज़ पहले से जानते थे या फिर कौन कौन से लोग अभी ये वीडियो देखने के बाद आगे से करेंगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।